दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलटेक पर। आज के वीडियो में हम लोग LHB सेल से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एवं आंसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइड वाल ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी कि LHB कोच का जो साइड वाल है वो किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो होता है फेरेटिक स्टील, यानी कि LHB कोच का जो साइड वाल है वो फेरेटिक स्टील का बना होता है। नंबर टू क्वेश्चन है, रूफ सीट ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, LHB कोच का जो रूफ सीट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑस्टेनेटिक स्टील। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, इंड वाल ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, LHB कोच का जो इंड वाल है वो किस चीज़ का बना होता है। तो वो बना होता है फेरेटिक स्टील का। उसके बाद है, ट्रप फ्लोर ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, LHB कोच का जो ट्रप फ्लोर है ये बना होता है ऑस्टेनेटिक स्टील का। दोस्तों हम लोग याद रखने में सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए एक पिक्चर को ड्रॉ किए हैं, एक कोच हम बनाए हैं इसमें, ये ऊपर का जो पोर्शन है देखिए, तो ये जो रूफ सीट है ये ऑस्टेनेटिक स्टील का है, ये ट्रप फ्लोर है ऑस्टेनेटिक स्टील का है, और जो साइड वाल है ये फेरेटिक स्टील, ये भी फेरेटिक स्टील, और जो बीच का जो इंड वाल है ये भी बना होता है फेरेटिक स्टील का। तो इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी LHB कोच के जो अंडर फ्रेम का क्रॉस मेंबर है वो किस चीज़ का बना होता है। तो वो बना होता है IRSM 41 का। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ रूफ सीट ऑफ LHB कोचेज आर, LHB कोच के रूफ सीट का थिकनेस कितना होता है। तो ये होता है 1.25 mm से लेके 1.7 mm तक। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ कोरोगेटेड सीट ऑफ LHB कोचेज आर, LHB कोच के कोरोगेटेड सीट का थिकनेस कितना होता है। तो ये होता है 1.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ साइड वाल सीट ऑफ LHB कोचेज आर, LHB कोच के साइड वाल सीट का थिकनेस कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 2 mm। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग इस जो भी क्वेश्चन आंसर है उससे वाकिफ हो सकें। अगला क्वेश्चन है, सोल बार ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, LHB कोच का जो सोल बार होता है ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है IRSM 41 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोच इज, LHB कोच के सोल बार का थिकनेस कितना होता है। दोस्तों ये कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाए गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि सोल बार का थिकनेस होता है 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ रूफ फ्लेंज ऑफ LHB कोचेज इज, LHB कोच के रूफ फ्लेंज का थिकनेस कितना होता है। तो इसका जो थिकनेस होता है रूफ फ्लेंज का ये होता है 4 mm। अब है, मटेरियल ऑफ योर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेज इज, LHB कोच के योर डैम्पर ब्रैकेट का जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो वो बना होता है कास्ट स्टील का। तो इसका जो सही आंसर है यह है कास्ट स्टील। दोस्तों ये वीडियो आप लोग हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं, हम लोग रेल से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर और नई नई जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योर डैम्पर इज फिटेड ऑन, योर डैम्पर कहाँ फिट होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LHB कोच में चार प्रकार के डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे जो लंबा डैम्पर है वो होता है योर डैम्पर। और ये कहाँ फिट होता है, तो ये फिट होता है
योर डैम्पर फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। तो इसका सही आंसर है डी। अब अगला क्वेश्चन है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज इज, यानी कि एलएचबी का जो एसी कोच है उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है और जो आपका सही आंसर है वह है डीसीपी टाइप। डीसीपी का मतलब क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, यानी कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है। जब इसको आप खोलेंगे तो देखेंगे कि व्हाइट कलर का पाउडर इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा रहता है, तो इसीलिए इसका नाम है डीसीपी टाइप। और जो अगला क्वेश्चन है वह फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को कितने समय के बाद रिफिल्ड करना चाहिए। दोस्तों आप जैसा कि सभी आप सभी जानते हैं कि जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसका एक निश्चित समय के बाद वो पाउडर एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको कितने समय के बाद रिफिल करेंगे ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है आफ्टर वन ईयर, यानी एक वर्ष के बाद हम लोग को वो ड्राई केमिकल पाउडर को रिफिल करना, यानी पुराने पाउडर को निकाल के उसके जगह पर नया पाउडर डालना है। तो यही था एलएचबी सेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।